अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शहर के प्रमुख समाजसेवी विमल चौहान सम्मानित होंगे। राजस्थान निदेशालय विशेष योग्यजन आयोग ने अजमेर जिले के दिव्य ज्योति विशेष विद्यालय वे पुष्कर की भारत सेवाश्रम संघ के वेद प्रभा सेन का राज्य स्तर पर चयन किया है। चौहान विगत 10 वर्षों से शहर के सोहन नगर स्थित दिव्य ज्योति विशेष विद्यालय दिव्यांगों के हितार्थ निस्वार्थ भाव से जन सहयोग से संचालन कर रहे हैं। आयोग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर नरेंद्र चौधरी के अनुसार जयपुर में 3 दिसंबर 2022 को ओटीएस स्थित भगवान सिंह मेहता सभागार में आयोजित भव्य समारोह के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री राजस्थान सरकार होंगे। चौहान को इस अवसर पर प्रशस्ति पत्र शोल तथा 10,000 रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा। चौहान वर्तमान में भारत स्काउट गाइड के सहायक कमीशन के पद पर भी कार्यरत थे। उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किए जाने पर सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर एमएम गोयल, समाज सेवी दिलीप जाजू, शिक्षक नेता मोहन सिंह रावत, माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष विष्णु हेड़ा, भाजपा मंडल अध्यक्ष डूंगर सिंह रावत, पार्षद हरीश साखला, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष विक्रम सोनी आदि ने शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं की।